दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले कम गंभीर बताया जा रहा है, जो दुनिया भर में लाखों मौतों का कारण बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेडोस एडनोम घेब्रेयेसस ने गुरुवार को कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम गंभीर मालूम होता है और विशेष रूप से टीकाकरण वाले लोगों में ये कम गंभीर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे पिछले वेरिएंट की तरह ही माइल्ड के तौर पर लेना चाहिए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है, इसलिए इसे हल्का समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। WHO ने जोर देते हुए कहा कि वास्तव में नए वेरिएंट से संक्रमितों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि ये दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी पड़ रही है। WHO चीफ ने कहा कि पहली पीढ़ी के टीके सभी संक्रमणों के संचरण को रोक नहीं सकते, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती होने और इस वायरस से होने वाली मौत को कम करने में बहुत ज्यादा प्रभावी रहते हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सामाजिक उपाय, जिसमें अच्छी तरह से फिटिंग वाले मास्क पहनना, दूरी बनाना, भीड़ से बचना और वेंटिलेशन में सुधार करना इत्यादि शामिल है, वायरस को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख ने आगे कहा कि वैक्सीन रोल आउट की वर्तमान गति से 109 देश जुलाई 2022 की शुरुआत तक अपनी 70% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण करने से चूक जाएंगे। पिछले हफ्ते महामारी में अब तक सबसे अधिक COVID-19 के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये मामलों का एक कम आकलन है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में चल रहे अभियान के बीच वैश्विक कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 29.7 करोड़ से ऊपर हो गया है, जबकि मौतें 54.6 लाख से अधिक हो गई हैं और टीकाकरण 9.27 अरब से अधिक हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के प्रमुख ने एक बार फिर से कोरोना रोधी टीके के असमान वितरण पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सबसे बड़ी कमी ये रही कि वैक्सीन का एक समान वितरण नहीं हो सका। उनके मुताबिक एक देश में जहां जरूरत से अधिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ तो कई देश ऐसे थे जहां पर इनकी जबरदस्त कमी थी। ऐसे देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधारभूत जरूरतों का भी अभाव था। वैक्सीन के असमान वितरण की वजह से पिछले वर्ष कई मौतें हुई, इसकी वजह से दुनिया को इस समस्या से उभरने में समय लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।